सबका साथ विकास कर रही है तो उसके लिए मगर इतना वक्त कैसा? नहीं, इनाम के जैसे दिए गए हमको, ना चल सकते ना गाड़ी चला सकते। हर जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, सरकार को कोई टेंशन ही नहीं है। जो 500 का चालान है वो 2000 रुपए ठोक रही है सरकार, यानी जो उसके दिल में आ रहा है वही कर रही है सरकार। विकास के गड्ढे जो मोदी सरकार करा रहा है जगह जगह। तो मेट्रो बनने वाला है तो गड्ढे भी तो सुधारना चाहिए ना मोदी सरकार ने। हाँ, मेट्रो मेट्रो अपनी अपने जगह है, रोड अपनी जगह है। दिख रहा है ना, अपनी जेब भर रहे ना सीमेंट के बोरों के ऊपर कमीशन खा के अपनी जेब भर रहे हो। ये गड्ढे कब भरेंगे? बस आश्वासन आश्वासन मिल रहा है, ना गड्ढे भर रहे हैं ना कुछ हो रहा है। वही तो करा रहा था मोदी सरकार ने, गड्ढे गड्ढे करा के रखा लोगों के लिए। अब तो नए ही कमाल देखने को मिल रहा। ये विकास है गड्ढे। गाड़ी चलाई बस उसके आंख पे से चली गई, किसी ने उसको रोका नहीं, कुछ नहीं। ये गड्ढे के कारण वो बेचारे की मौत हो गई। कोई देखने नहीं आता, ये मच्छर हो रहे हैं। कारपोरेशन की गाड़ी के लिए हम घड़ी घड़ी अप्लाई कर रहे हैं, ना कारपोरेशन की गाड़ी आ रही है। मेट्रो होने से सबका विकास हो जाएगा। देश को गुलाम बनाने की स्कीम चालू हो गई। बैठो ऑटो में तो ऑटो ऐसे उछलते कि असल तक डर लगता ऑटो से गिरेगा ना। यार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है नागपुर के कड़वी चौक में। आप देख सकते हैं नागपुर के कड़वी चौक में मेट्रो का काम काफ़ी तेज़ी से शुरू है। आप देख सकते हैं कैमरे की सहायता से मेट्रो बहुत ही तेज़ी से यहाँ बन रहा है। विकास के नाम पे मोदी सरकार है जो मेट्रो का काम बड़ी तेज़ी से करवा रही है। लेकिन ज़रा नीचे भी देखिए, नीचे विकास के नाम पे नागपुर शहर को मिले हैं बहुत सारे गड्ढे। हाँ, ये देखिए गड्ढे जो हमें मिले हैं नागपुर मेट्रो से, जो हमें मिले हैं मोदी सरकार से। लगातार गड्ढों की नगरी, संतरा नगरी। तो इस तरह के जो विकास कार्य की जो चीज़ें हैं जो हमें मोदी सरकार ने दी है, साथ पे गड्ढे भी दी है। और अभी गड्ढों के साथ मोदी सरकार ने एक और हमें गड्ढा दिया है जिसे हम कहेंगे चालांग। 10,000 का चालांग काट रही है मोदी सरकार। तो चलिए लोगों से बात करते हैं मोदी सरकार की नीतियों के बारे पे, जो विकास की नीतियां हैं, जो गड्ढों की नीतियां हैं, लगातार जनता को गड्ढों पे डालने की नीतियां हैं, उसके बारे पे मोदी सरकार का क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है मोदी सरकार के बारे पे। तो लोगों से ही बात करते हैं, उनसे जानते हैं गड्ढों की कहानी, सॉरी विकास की कहानी। चलिए, ये गड्ढे की वजह से हमको बहुत तकलीफ हो रही है। ये गड्ढे खुड्ढे उसके वजह से गाड़ी चलने में तकलीफ हो जाए, परेशानी होती है, पैसेंजर को परेशानी होती है। वो अपने एक क्या बोलते हैं, सिंहासन पे बैठ करके, जो उस लेवल पे बैठ करके देखते हैं वो नहीं देख सकते अभी फ़िलहाल, है कि नहीं। जब स्टार्टिंग उनका था तो वो सबकी समस्याओं को देख सकते थे, पर कैसा है अब वो उस लेवल पर के पहुंच गए हैं, वहाँ पर कैसा है कि यहाँ पर जनता को यानी कैसा करीब से जानना बोलो तो बहुत समस्या की बात है। ये बीजेपी सरकार होना नहीं, कांग्रेस के ज़माने में खुश थे हम, कोई भी खाता होगा पैसा उसका कुछ लेना देना नहीं हमको। पर ये बीजेपी सरकार हो रहा ही नहीं तो लोग कटोरा लेके भीख मांगेंगे। सरकार पहली बात तो ये होना ही नहीं, कुछ दिन के बाद ऐसी होगा क्या लोग भीख मांगने वाले हैं कुछ दिन के बाद। अभी तो गिर भी पड़ गई सरकार, पूरी कर्जे में डूब गई और पगार नहीं बढ़ रहा NMC का, स्टार बस का। हाँ, क्या हो रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, गड्ढे पूरे पानी भरा है गड्ढों में। सर, मोदी सरकार के गड्ढों के बारे पे क्या कहना चाहेंगे? विकास के नाम पे जो गड्ढे दिए हैं किस तरह? ये इनाम के जैसे दिए गए हमको, ना चल सकते ना गाड़ी चला सकते। और ब्रिज के नीचे जाके देखो, सभी गिरेंगे, आप भी जाओ पैदल आप भी गिरोगे वहाँ। ये विकास है गड्ढे, विकास के गड्ढे जो मोदी सरकार करा रहा है जगह जगह। वही तो करा रहा था मोदी सरकार ने, गड्ढे करा के रखा लोगों के लिए। कह रहे कि नितिन गडकरी जी तो काफी अच्छे काम कर रहे हैं सड़क विकास के लिए। दिख रहा है ना, अपनी जेब भर रहे हैं ना सीमेंट के बोरों के ऊपर कमीशन खा के अपनी जेब भर रहे हो। अहमद जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार के गड्ढों के बारे में? सरकार के गड्ढों के बारे में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो गड्ढे है इससे बहुत परेशानियाँ हो रही है, लोग गिर रहे हैं और ट्रैफिक तो इतना हो रहा है कि जिसकी कोई बेइंतहा नहीं है। ये गड्ढे कब भरेंगे? बस आश्वासन आश्वासन मिल रहा है, ना गड्ढे भर रहे हैं ना कुछ हो रहा है। और लोग बस जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब तो नए ही कमाल देखने को मिल रहा। जो 500 का चालान है वो 2000 रुपये ठोक रही है सरकार, यानी जो उसके दिल में आ रहा है वही कर रही है सरकार। कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। 8 दिन पहले यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, बस महिला ने गाड़ी चलाई बस उसके आंख पे से चले गई, किसी ने उसको रोका नहीं, कुछ नहीं। ये गड्ढे के कारण वो बेचारी की मौत हो गई। पूरा यहाँ पर खोद के रख दिए गड्ढे गोदाम में, सबके घरों के सामने ऐसा खोद के रख दिए एकदम से। और अभी तक आए नहीं बनाने के लिए, सीमेंट ला के रखा हुआ है पूरा
सड़ जा रहा, वो पूरा पत्थर बन गया। और अभी तक वो कोई ठेकेदारी नहीं मिला नागपुर में, क्या ठेकेदार नहीं है क्या, सब मर गए क्या ठेकेदार? हर जगह वन साइड रोड कर दिए, ट्रैफिक जाम हो रहा है, हर जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, सरकार को कोई टेंशन ही नहीं है, कोई देखने नहीं आता। ये मच्छर हो रहे हैं, कॉर्पोरेशन की गाड़ी के लिए हम घड़ी घड़ी अप्लाई कर रहे हैं, ना कॉर्पोरेशन की गाड़ी आ रही है, ना कुछ आ रही है, ना पुलिस वालों का कोई ध्यान है यहाँ पर। ये देखिए पूरी गंदगी, पूरा जमाड़ा अड्डा मच गया, यहाँ पे अड्डा बन गया है हमारा सदते पैलेस। क्या कहना चाहेंगे सरकार को गड्ढे की राजनीति के बारे पे? क्या गड्ढे की राजनीति, सरकार जो दिल में आ रहा है वो कर रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही ना अहमद जी, सबका साथ विकास कर रही है तो उसके लिए, मगर इतना वक्त कैसा? दुनिया को पागल बनाने का काम चल रहा है, लोग इंडिविजुअल होने के बाद में फॉरेन की कंपनी आई, 3 साल से यही नक्शा हमको दिख रहा है और यहाँ रोड के गड्ढे पड़े हैं, कैसे होगा? 3 साल से पिल्लर से ऊपर एक दाना ऊपर नहीं गया, क्या हो रहा है? ये फॉरेन कंपनी है, इंटेलिजेंट इंडिया है, सबका साथ सबका विकास, विद्या शिक्षा में पढ़ाई के लिए सब पीछे चले जा रहे, कोई आगे बढ़ नहीं रहा, काम धंधे में सब नाकाम हो रहे, कहाँ से होगा? कितना पढ़ लिख के भरोसा है? ये आदमी को बोलना नहीं आया, 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, क्या खाएगा? चावल खा के जी रहा हो बोलता, चावल के लिए पैसा देगा, शरीर के लिए और कुछ पैसा लगता नहीं, ऐसी कंपनियाँ क्या करेगी यहाँ आकर? और कब मेट्रो होने से सबका विकास हो जाएगा? मेट्रो होने से सबका विकास हो जाएगा, सीमेंट रास्ते बनने से सबका विकास हो जाएगा? अरे विकास करना है तो आदमियों का करो, जिंदे आदमी का करो, बच्चों का करो, जो भविष्य में काम आएगा इस देश के लिए, नहीं तो किसकी, किसका विकास और किसका भविष्य? देश को गुलाम बनाने की स्कीम चालू हो गई। कमची वाला था बोलता मेरे से नहीं होता, गाड़ी वाला था गाड़ी नहीं घुसती बोले, अब कर रहे क्या हम लोग? वर्कर भेज देते हैं लेकिन आके देखते नहीं है कि एक बार भी साफ हुआ कि नहीं हुआ, वर्कर भेज देते हैं, वर्कर आता है देखता है और चले जाता है, बोलता गाड़ी नहीं आ सकती कमची। स्कूल बड़े गड्ढे, बैठो ऑटो में तो ऑटो ऐसे उछलते कि ऐसा लगता कि डर लगता ऑटो से गिरे ना करके। तो मेट्रो भी तो बनने वाला है ना आंटी? तो मेट्रो बनने वाला है तो गड्ढे भी तो सुधारना चाहिए ना मोदी सरकार ने। हाँ मेट्रो मेट्रो अपनी अपने जगह है, रोड अपनी जगह है, पब्लिक चलेंगी तो जब ही तो ऑटो चलेंगे ना, हम लोग जाएंगे ना सफर में। ये हाल है नागपुर संतरा नगरी का, विकास के नाम पे नालियाँ, गड्ढे, मच्छर, डेंगू, मलेरिया, हेजा सब हमें मिला है विकास के नाम पर। अब इसे क्या वाकई पे आप विकास की विकास कह सकते हैं? वाकई पे विकास की तस्वीरें हैं? इसी से नागपुर वासियों का या शहर वासियों का विकास होगा? ये बहुत सोचने वाली बात है। जब NMC को इन्होंने एप्लीकेशन दिया तो NMC ने एक्शन लेना चाहिए था, साफ़ सफाई की जानी चाहिए थी लेकिन नहीं की गई है। और भी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं, हकीकत है, आपको दिखाते हैं।